प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं एम समांतर माध्यों को 1 तथा 51 के मध्य प्रविष्ट किया गया है। यदि चौथे तथा सातवें समांतर माध्य का अनुपात 3:5 है, तब एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो आपको अब तक पढ़ाया है ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए, 1 और 51 के मध्य कितने समांतर माध्य प्रविष्ट कराए आपने, n, तो क्या होगा, a1 a2 a3 a4, ऐसे करते करते कहां तक चलोगे, an तक, और लास्ट में आपका क्या है, 51 r in ap। ये आपको बताया गया है, और ये चीज मैंने आपको समांतर माध्य की जब केस थर्ड कराया उसमें इस टाइप का लिखना बताया था कि यहाँ पर ए लिया था और यहाँ पर बी, और उसमें हमने A1 से लेके और An तक n समांतर माध्यों को प्रविष्ट कराया था। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, चौथे और सातवें समांतर माध्यम का अनुपात यानी A4 upon A7 आपको मिलेगा 3/5, ये बोला गया है। अब A4 क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। A4 होता है A+4D, ध्यान देना, 4 तो 4D और 7 तो 7D, और ये मैंने आपको बताया है कि 4 यहाँ है तो 4 क्यों आया, 7 यहाँ है तो 7 क्यों आया, और उसके बाद आप क्या कर दिए, 3/5। उसके बाद क्या करोगे, आप वजन गुणा करोगे, और वजन गुणा करोगे तो कैसे करोगे, 5 into A+4D = क्या होगा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो 3 और उसके बाद A+7D। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 5A+20D = 3A+21D। अब देखो ध्यान से, इसको आप पक्षांतरित भी कर सकते हो, तो 20D - 21D = 3A - 5A। कहने का मतलब है कि आपने पक्षांतरण किया, और पक्षांतरण में भी क्या हुआ कि D को आपने एक तरफ लाए और A के टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए, और ये टर्म्स जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में, एंड इधर भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, यहाँ से आपको मिला -D और यहाँ से मिला -2A, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि 3A में जब 5A को सेपरेट करोगे तो आपको -2A मिलेगा, और यहाँ से आप माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो तो D = आपको मिला है 2A। अब आगे देखो, आपको तो वैल्यू D की नहीं बतानी, आपको तो वैल्यू बतानी थी N की। अब N की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ध्यान दो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है D = B - A upon N+1, D = B - A और N+1। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन में एक बात और नोटिस कर लो कि आपको D = 2A आया है, इसमें आप A की वैल्यू को रख लो तो D = 2 into 1, क्योंकि आपको यहां पर इसको क्या बोलोगे A और इसको क्या बोलोगे B, तो यहां से क्या हुआ, D की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 आ गई। अब उसको इधर रखो, D = 2, B का वैल्यू क्या है, 51। मैंने बताया है ये आपको A रखना है, ये आपको B रखना है, -1 upon N+1। अब इसको भी सोल्व कर लो, 2 upon 1 = 50 upon N+1। अब आप वजन गुणा कर लो तो क्या होगा, 2 into N+1 = 50 और N+1 = क्या होगा, 50 upon 2। क्या लिखोगे, N+1 = 25 और इसको पक्षांतरण करोगे तो क्या आएगा, 25 - 1 = 24, और 24 आपका ऑप्शन कौन सा है, डी करेक्ट हुआ। एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ो, देखो ध्यान से, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि n समांतर माध्यों को 1 तथा 51 के मध्य प्रविष्ट कराया गया। आपने 1 लिया
और 51 लिया, उसके बीच में आपने n समांतर माध्यम को रख दिया, और जब आप समांतर माध्यम को रखेंगे तो ये कंप्लीट जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एपी में हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है चौथे तथा सातवें समांतर माध्यम का अनुपात 3:5 है। तो ये आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें बताया था कि A1 का वैल्यू A+D, A2 का वैल्यू A+2D, ऐसे ही A3 का वैल्यू A+3D, तो A4 का वैल्यू A+4D और A7 का वैल्यू A+7D, और वो किसके इक्वल होगा 3/5 के। अब आप क्या करो, वजन गुणा करो, और वजन गुणा करोगे तो आपने ऐसा लिखा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, फिर पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने के बाद आपको डी का वैल्यू या मान क्या मिला, 2a। अब 2 तो है और a क्या है, a पहला टर्म है और b यहां पर क्या है, लास्ट टर्म है, तो आपने a की वैल्यू को रखा तो d इक्वल टू 2×1 और वो क्या आया, 2। अब आपको पता है, ध्यान करो, आपको मैंने जो केस थर्ड पढ़ाया उसमें बताया था कि d होता है b-a/n+1 और b क्या है 51, तो 51-1/n+1 और d का वैल्यू क्या है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने 10th क्लास में सिखाई है, वहां से मैंने n की वैल्यू को 24 निकाला, और 24 हमारा कौन से ऑप्शन से मैच किया है, d ऑप्शन से, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 24। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a² × b + c, b² × c + a, c² × a + b, r इन ap यानी समांतर श्रेणी में है, तब आपको बताना है कि a b c किस में होंगे, ap में, gp में या hp में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखो अमूमन आपके माइंड में आइडिया आ रहा होगा कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सेपरेट कर दें, घटा दें, या फिर इसमें से इसको घटा दें और दोनों को इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। वो तो है आपका जनरल मेथड जो हर ही यूज करता है इसको, तो लेकिन हम कुछ यूनिक मेथड करेंगे, और वो यूनिक मेथड ये है कि हम इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन करके ही सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए देखिएगा, ध्यान देना, हमको ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, और ऑप्शन से करने के लिए हमने सबसे पहले इस ऑप्शन को सही मान लिया कि हमारी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर है वो एपी में है, और एपी अगर हमारा सही है तो वो इसको 100% सेटिस्फाई करेगा। ये तो आपको पता ही है कि कोई इक्वेशन है और उसके अगर रूट्स आ रहे हैं तो वो रूट्स उस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिएगा, लेट ए बी सी आर इन ए पी, तो आप बोल सकते हो 0-4 आर इन ए पी। मैं बोल रहा हूं आर इन ए पी का मतलब समांतर श्रेणी में है, श्रेणी नहीं बोलना, श्रेणी अलग टॉपिक होगा, उसका डिस्कशन जब श्रेणी पढ़ेंगे तब करेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी होता है। तो आपको क्या मिला, a = 0, b = 2 और c = 4, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। आपका अगर आइडिया कर रहा है कि हम 1-2-3 ले, तो आप 1-2-3 ले सकते हो, मतलब जो भी आप एक समांतर श्रेणी के समांतर दूसरी समांतर श्रेणी ले रहे हो वो कंप्लीट समांतर श्रेणी में ही होना चाहिए, इसके आगे कोई भी प्रतिबंध नहीं है हमारे पास। तो देखो आप इसमें रख के देखो, a² × b + c, b² × c + a और c² × a + b, ये लाइन क्या दी है, r इन ए पी। अब ध्यान देना, आपको ये जीरो मैंने इसलिए लिया है कि ये कंप्लीट जीरो में चला गया। तो देखो ध्यान से, अब जीरो का स्क्वायर केवल ए बी सी की वैल्यूज को रखना है, 2+4, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4+0 और c का स्क्वायर 0+2। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई होगा इससे तो इसको भी 0 ही बना देगा, और यहाँ से देखिए 2 स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या है 4, तो 4×4 क्या होगा भाई, 4+0 क्या होता है 4, तो 4×4 क्या होगा
16 और यहां पर देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और ये क्या है 2, तो ये क्या आ गया 32। और ये हम किस में लेके चले हैं R in AP, और ये भी क्या बोलोगे R in AP। तो देखो ध्यान से 16 माइनस 0 किया 16 आया, 32 माइनस 16 किया तो भी 16 आया। इसका मतलब ये किस में है समांतर श्रेणी में है, और ये स्टेटमेंट हमारा क्या आया है ट्रू आया है, ट्रू आया है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा AP यानी समांतर श्रेणी। अभी मैंने आपको GP और HP पढ़ाया नहीं है, इसलिए इन ऑप्शंस को अभी चेक करना नहीं है। और इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारा आंसर AP आया, तो हमने यहाँ तक ठीक प्रकार से समझा है और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा।